अरे अपन लोग के पास लेवल 3 का हेलमेट आईला। अब ये यार अपन लोग तो ए काबू सुन, मचाएगा। पूरी स्क्वाड वाइप करके आना, नहीं तो यार साले तू क्या ही पीटेगा। मतलब बता रहा हूँ, एकदम हैंडसम अब लग तू रहा है। अपने बाप को मत सिखा, चल। फ्री फ्रेम आर्मी तो कैसे हो यार, आप सभी लोग सो आ चुके एक और गेम प्ले वीडियो के साथ में। एंड आज की गेम प्ले वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि यार आज की गेम प्ले वीडियोज़ में हम लोग जो नया अपडेट आया है वो खेलने वाले हैं। हाँ थोड़ा सा लेट हूँ तो इसके लिए सॉरी मांगता हूँ यार, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम था तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और यहाँ पर एक ड्रेस मिलती है, बहुत ही प्रीमियम ड्रेस है, जिसके पीछे लोग तो ऐसे पागल है कि भाई कतई बता रहा, मतलब मार काट सब कुछ कर देंगे, लेकिन ड्रेस चाहिए भाई, ड्रेस चाहिए, कहीं कुछ भी हो जाए ड्रेस चाहिए। अब देखो यार पीछे कितने सारे बंदे आ रहे हैं, बट तुम्हारा भाई छोड़ेगा नहीं ये ड्रेस। देखो यार सबसे पहले पहुंच गया, और ये देखो ड्रेस, ये रहा ड्रेस, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेस, और मज़ा आ रहा है भाई। मैं सबसे पहले मैंने ड्रेस ले लिया, किसी को लेने नहीं दूंगा, किसी को लेने नहीं दूंगा। सो यहाँ पे बंदे देखो देखो कूद के आ रहे हैं भाई, कोई कोई ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास आ चुका है ऑलरेडी। तो ये ड्रेस पहनने के बाद से कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई इस गेम के हम ही भगवान हैं। तो यहाँ पे मस्त प्लानिंग चल रही है कि भाई कौन कहाँ कहाँ उतरेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग विस्टा उतरेंगे, और यहाँ पे डीजे भाई अपना अलग ही स्वैग मचाते हुए भाई वो ई स्पोर्ट जाएंगे, जहाँ से वो हेलीकॉप्टर लेके आएंगे विस्टा। तो चलो अभी हमको जाना है, कहाँ जाना है, विस्टा जाना है, तो विस्टा चलते हैं ना। तो विस्टा चलते हैं, देखते भाई कितनी स्क्वाड आती है। तो चलो, तो अभी ये देख सकते हो हम लोग उड़ते हुए जा रहे हैं एकदम आसमान में, और डीजे भाई तो कतई मतलब यहीं से जंप करके भाई सीधा पहुंच जाएंगे कहाँ, ई स्पोर्ट। तो यहाँ पे देखते हुए, और यहाँ पे एक भी स्क्वाड नहीं आ रही क्या? हेलो सर, अरे भाई साहब सामने एक स्क्वाड आ रही है जो कि सीधा जा रही है वो हेलीकॉप्टर के पास, और एक स्क्वाड जो है कि इधर आ गई घर की तरफ। तो चलो यार मारते हैं इनको फटाफट से, पहले गन ढूंढते हैं, जल्दी गन मिल जाए भाई, गन मिल जाए। ओके इधर गन नहीं मिला, बट यहाँ मिल जाएगा। ओके यहाँ पे मेरे को आरपीजी मिल गया, और यहाँ पे शॉर्ट गन मिल गया। अब मैं सीधा रस कर लूँगा क्योंकि बगल में ही बंदा है, और देखो यार इसको कैसे मारता हूँ। मारो, ओके तो मैं इसको फिनिश कर दिया हूँ। और सामने जो कि एक और बंदा है, और ये शॉर्ट गन जो कि सही कर दिया गया है, क्योंकि यार बहुत लोग शॉर्ट गन यूज़ करते थे। जो पॉइंट होता है ना शॉर्ट गन का पॉइंट, वो पहले गोल था, अभी उसको पॉइंटेबल कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखो ये मेरे को मार रहा है, बट मैं इसको डैमेज दिया हूँ, थोड़ा सा डैमेज है, बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गया होगा वो, क्योंकि इसकी डैमेज काफ़ी ज़्यादा है। और मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, और भाई लग गया, और भाई यहाँ पर लग गया है बंदे को, और नॉक हो चुका है बंदा, और ये देखो हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है मेरा टीम में। अब इस अपडेट में यार शॉटगन वही चला पाएगा जिसका एम बहुत अच्छा हो, जो कार 98 का प्रैक्टिस करता हो टीडीएम में जाके, तो वही लोग चला पाएंगे शॉटगन को। तो जाओ टीडीएम में प्रैक्टिस करो, कार 98 चलाओ या फिर शॉटगन चलाओ, जो भी चलाना है चलाओ, लेकिन टीडीएम में थोड़ी सी प्रैक्टिस करके ही तुम शॉटगन चला पाओगे, क्योंकि इस बार की अपडेट काफ़ी अच्छी आई है। सो यहाँ पे पूरी तरीके से मेरी हेलीकॉप्टर डैमेज हो चुकी है, और इसमें से धुआं टाइप का निकल रहा है, बट मेरे पास एक बॉक्स है, रिपेयरिंग बॉक्स है, तो रिपेयरिंग बॉक्स से मैं देखो ये फिर से हेलीकॉप्टर को सही कर दूंगा। तो यहाँ पे रिपेयरिंग बॉक्स लगाया, और इसका हेलीकॉप्टर का जो हेल्थ था एकदम लो हो गया था, अभी देख सकते हो फुल हो चुका है, एकदम सही हो चुका है। तो गाइस मैं कुछ दिन पहले एक अपडेट पर वीडियो डाला था जो कि बीटा वर्जन का था, जिससे हम लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू हम लोग स्पॉन आइलैंड नहीं जा सकते थे, लेकिन इस वाले अपडेट में हम लोग स्पॉन आइलैंड हेलीकॉप्टर के थ्रू भी जा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है, और हम लोग जाके यहाँ पे लूट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और डीजे पहले ही से आ चुका था, तो अभी हम लोग जाके फटाफट देखते हैं क्या क्या मिलता है। सो अभी ये देखो हेलीकॉप्टर नीचे उतरा, और मैं डीजे से पूछता हूँ भाई क्या क्या यहाँ पे मिला। तो भाई इसमें मतलब उतनी अच्छी लूट नहीं मिली जितनी होनी चाहिए, बस जो कि एक नॉर्मल लूट था वही मिला, और कुछ भी नहीं है। मतलब तुम्हें यहाँ पे फ्लेयर उलेयर ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं, हो सकता है कि बाय द वे कहीं मैचेस में मिल जाए, क्लासिक मैच में आके आप लोग ट्राई कर सकते हो सकता है फ्लेयर गन मिले। अगर आपको फ्लेयर गन मिलता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ मुझे यहाँ पे फ्लेयर गन मिला, तो मैं भी एक बार और ट्राई करूँगा क्लासिक में, देखते हैं फ्लेयर गन मिलता है कि नहीं मिलता है। और फिलहाल अभी तो यहाँ पे हम लोग लूट उट कर लिए थे, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर मेरा एकदम से वही फंसने वाला था, बट मेरा हेलीकॉप्टर निकल गया, और हम लोग फिर से निकल रहे हैं आगे की तरफ बंदे ढूंढने और बंदे मारने। अब हम सीधा आ चुके हैं यहाँ पे सेंट्रल रोड, सेंट्रल रोड से भाई इधर फायरिंग हो रही है, कहाँ पे सिंक डेल्टा पे, तो भैया सिंक डेल्टा पे सीधा हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे फायरिंग हो रही है और हम लोगों को फायरिंग बर्दाश्त नहीं होता, सीधा हम लोग घुस के मारने वाले हैं। तो चलो भाई मारते हैं, देखो अब मारो 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 बीआरडीएम टैंक को, मारो मारो मारो
हटो भाई मैं मारता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा सीन हो गया, मैं सीट चेंज करके मारने की कोशिश कर रहा था बट मैं मार नहीं पा रहा था। मैं बार बार सीट चेंज करके ट्राई कर रहा था बट ड्राइविंग पकड़ ले रहा था बंदा, लेकिन बाहर नहीं आ रहा था। तो मेरे को जंप करना पड़ा और जंप करके यहाँ पे मैंने इसको नॉक कर दिया इजीली। अब देखो यार इसको फिनिश कर देते फटाफट से। तो यहाँ पे एक स्क्वाड पूरी तरीके से वाइप हो चुकी है। अब हम लोग फिर से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बंदे ढूंढने और देखते भाई और बंदे कहाँ मिलेंगे। और बंदे ढूंढो जल्दी। सो बस हम लोग ऐसे ही जा ही रहे थे कि भाई यहाँ पे जो है कि डीजे बोलते हैं भाई यहाँ बंदे बंदे आ चुके हैं। और भाई डीजे जब हेलीकॉप्टर से जंप करता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये डीजे नॉक हो जाता है गिर के। तो ऐसी सीन है, पता नहीं क्या ग्लिच है। हम लोग अभी देखो यहाँ पे मैं हेलीकॉप्टर से उतरा तो मेरा पैराशूट खुल गया, उसका नहीं खुला तो वो नॉक हो गया। तो यहाँ पे देखो कभी कभी ऐसी ग्लिचेस होती रहती हैं। सो यहाँ पे एक बंदा था, आप देखो यार इसको मैं कैसे मारता हूँ। दो आरपीजी की गोलियाँ मारा बट मारा नहीं, लेकिन भाई यहाँ पे एक गोली मारते ही बंदा सीधा स्वर्ग पहुंच गया। तो अभी हम इनको फटाफट से लूट लेते हैं, काफी अच्छी लूट मिल चुकी है। अभी हमारा गन रिलोड कर लेते भाई, गन क्योंकि रिलोडिंग करना है, बंदे आ जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक बॉट भैया आ चुके हैं भाई, इस गेम में भी बॉट भैया आ रहे हैं, मतलब पायलोड मोड में भी बॉट आ रहे हैं, तो क्या बात है, मतलब क्या ही बोले हम। तो इनको भी हम लोग यहाँ पे स्वाहा कर दिए हैं। अभी मेरा हेलीकॉप्टर किधर गया ये ढूंढो यार, क्योंकि यार हेलीकॉप्टर मेरा पता नहीं किधर चला गया। रुको मैं ढूंढता हूँ, अभी इधर ही तो था, इधर ही उतारा था, किधर गया भाई? अच्छा था इधर है, इधर है, ओ इधर है, इधर के साइड है। ओ भाई, ओ भाई, मतलब हेलीकॉप्टर को देखो क्या हो चुका है। ओ भाई जब मैं ओके ओके, तो ये फंस चुका है पूरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से ये फंस चुका है और ये अब निकलने वाला नहीं है हेलीकॉप्टर। तो अब इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि यार भाई फंस चुका है ये हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पे डीजे हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है, तो भाई इसकी हेलीकॉप्टर तो फोड़ना बनता है। तो मेरा हेलीकॉप्टर फंस गया तो इसको फोड़ देते हैं पहले। तो इसको हम लोगों ने फोड़ दिया, अब डीजे की हेलीकॉप्टर फोड़ना है और ये लेके भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यार कतई फाइट चल रही है, बहुत ही तगड़ी फाइट चल रही है। तो यहाँ पे सारे एनिमी जो है कि पहाड़ियों पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे मेरा एक टीममेट घुस चुका है उनको मारने के लिए, लेकिन बहुत ही गलत सीन हो जाता है मेरे टीममेट के साथ और सीधा नॉक हो जाता है। तो अभी मेरे दो टीममेट्स बचे हुए हैं और दोनों जा रहे हैं लड़ने के लिए, देखते हैं क्या होता है इनके साथ। और ये काफ़ी स्वैग में जा रहे हैं आगे की तरफ, तो इनके साथ बहुत ही गलत सीन हो गया। यहाँ पे एक बंदा नॉक हो गया और भाई डीजे मेरे हाथों नॉक हो गया क्योंकि वो आगे जा चुका था। और यहाँ पे एनिमी एक बचा हुआ है जो कि सामने मारे जा रहा है। अब भाई इसको मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो ये मेरे टीममेट्स को मार देगा। तो यहाँ पे डीजे को फिनिश कर दिया, अभी यार सबको फिनिश कर रहा है और ये इसको मैं मार दिया। मेरे टीम मेरे को मार दिए, चलो हमारा कार्ड उठाओ। ओ भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कोई मार रहा है डब्ल्यू, कोई डब्ल्यू मार रहा है। मेडिसिन नहीं है, आई नीड मेडिसिन, नहीं है, बैंडेज है, ये लो बैंडेज उठाओ। अरे एमएक्स भी कर गया थे, एमएक्स का भी कार्ड उठाओ। तो यहाँ पे हमने दोनों की कार्ड उठा लिया है, अब उनको हम लोग तिहाड़ जेल कॉल करने वाले हैं कि भाई जो मेरे दो कैदी थे उन दोनों कैदियों को भेजा जाए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गुनाह करना है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने कॉल सेंटर में, अब यहाँ पे हम लोग कॉल करने वाले हैं तिहाड़ जेल। दो चोर भागे हुए हैं, जल्दी पकड़ के लाओ जल्दी से। तो मैंने तिहाड़ जेल कॉल कर दिया है, बंदे जो है कि हमारे आने वाले हैं, कैदियां हमारे आने वाले हैं, तो देखते कब तक आते हैं। और एक बार मैं भी तिहाड़ जेल गया था तो देखो यार कैसे मैं आया था। तो यहाँ पे हम लोगों को प्लेन में बैठा दिया गया था जहाँ पर यार बिना गन बिना हेल्थ कुछ भी नहीं था, वैसे ही हमको नीचे भेज दिया गया। तो यार क्या सीन हो गया मेरे साथ। अब यार एक एनिमी बचा हुआ था जिसको मारने के लिए यार सभी लोग दौड़े आ रहे थे और उसको मुक्के से मारना था, लेकिन मैं जैसे मारने गया भाई उसके मुंह पे और भाई उसने आरपीजी चला दी और भाई मैं नॉक हो गया। तो यहाँ पे यार विनर विनर चिकन डिनर मिल चुका है और भाई मेरे को कोई रिवाइव नहीं दे रहा है, बोल रहा है भाई नहीं तुम्हें रिवाइव नहीं मिलेगा। अब यार मेरे को रिवाइव भी दे रहे थे बंदे, लेकिन मैं बोला कि भाई मेरे को रिवाइव मत दो क्योंकि यार यहाँ से हेल्थ जा रही थी।
पता नहीं क्यों यार यहाँ पे जब मरने के बाद से यार हेल्थ जा रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि क्या हम लोग इस हेल्थ से मर सकते हैं कि नहीं मर सकते। लेकिन हेल्थ तो जा रहा था लेकिन मरा नहीं। आप पूरे लास्ट तक देख सकते हो मेरे को मौली वोली सब कुछ कर दिए सब, लेकिन मैं मरा नहीं। सो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।